Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अरबी और चिकन, और उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है देख लेते हैं। स्पाइसेस में हमें चाहिए साल्ट है, हल्दी है, रेड पेपर है, और कोरिएंडर पाउडर है, और गर्म मसाला है। ये सब हाफ टी स्पून है। ये हमारे पास ग्रीन कोरिएंडर है, ये ग्रीन चिली और थोड़ा लेमन है। एक लेमन ले लिया, उसको कट कर लिया है। ये ऑनियन है। ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें से तेज़पात है, दालचीनी है, और ये ज़ीरा है, ये मोटी इलायची है, और बादियान का फूल है। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिंजर 1 टेबल स्पून है, जिंजर 1 टेबल स्पून गार्लिक है। और ये हमने 2 चिली लेके इसका पेस्ट बना लिया है। ये हमने 2 टमाटर लेके इसका पेस्ट बना लिया है। ये हमारे पास थोड़ा सा योगर्ट है, तकरीबन कोई 5 टेबल स्पून या 6 टेबल स्पून के करीब होगा। और ये हमारे पास हाफ चिकन है, 1/2 kg। ये ऑयल है, और ये हमारे पास 1/2 kg अरबी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पैन में सबसे पहले ऑयल डालना है। हाँ जी, हमने ऑयल डाल दिया इसमें। हाँ जी, हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल में हम होल स्पाइसेस डाल देंगे। तेज़पात है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, बादियान का फूल है, और ज़ीरा और काली मिर्च। ये हमने सारे डाल दिए। इसे हम गर्म होने देंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ऑनियन भी डाल देंगे। अभी हमने इसे लाइट ब्राउन करना है जी। फिर हमारे ओनियन जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे, और साथ जो हमने ग्रीन चिली हमने पीसी हुई थी वो भी डाल देंगे। अभी हम अपने चिकन को वाइट होने तक मूनते रहेंगे। चिकन वाइट हो जाएगा फिर। हाँ जी, चिकन वाइट हो गया है। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे, जो हमने ग्राइंड किए हुए थे। और स्पाइसी भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। हमें जब मसाले डालने हैं थोड़ा सा पानी ऐड करने ताकि मसाले गले नहीं। अब इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। मसालों के साथ योगर्ट के साथ इसे भूनेंगे। अपना पानी भी छोड़ा है, और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के बनाएंगे। मीडियम आंच कर देंगे और 10 मिनट ढक के बनाएंगे। हाँ जी, हम इसे ढक्कन उठा के देखेंगे। अभी हमारा गोश्त मज़ीद भुने होगा।
इसी पे आपने चेक भी करना। अभी हम फिर इसे कवर करके बनाएंगे। हाँ जी, हम कवर उठा कर देखेंगे चिकन को। ये देखें, हमारा चिकन भुन चुका है। आयल देखें ऊपर आ गया, इसलिए निशानी है कि हमारा चिकन भुन चुका है। अब हम इस पर अरबी डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इतना हमने पानी ऐड किया है ताकि अरबी और चिकन जो है वो हमारी गल जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए गलाएंगे और देखेंगे, चेक करेंगे 10 मिनट बाद कि इसकी क्या कंडीशन है। 10 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ जी, हमने अरबी को चेक किया है। अभी अरबी हमारी गली नहीं है। जब तक हमारी अरबी गल जाती है तो हम आपको एक शरबत वगैरह बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है। हमने इसमें लेमन डाली है ग्लासेस में। हम संदल और इलायची का शरबत बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले आइस ले लेनी है। आइस चलेगी। यह इलायची शरबत है। अब हम डालेंगे संदल शरबत। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और कलर डालेंगे। इलायची और संदल का शरबत वैसे भी बहुत अच्छा है गर्मी में। चेक करेंगे, थोड़ा सा और संदल शरबत डालेंगे। इस संदल की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। हमारी ये होल रेडी हो गया ग्लास। हाँ जी, ये हमारा इलायची और संदल का शरबत रेडी हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और ठंडा ठंडा गर्मी में बहुत ज़्यादा ताजगी का एहसास देता है। हमारी अरबी और गोश्त रेडी हो जब हो जाते हैं, हम उसका लुक भी दिखाते हैं आपको। हमारी अरबी और गोश्त रेडी हो चुका है और साथ हमारे जूसेस भी बन चुके हैं। हमने इलायची और संदल का जूस बनाया था। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।